नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर्श किसान मार्ट पर। आज हम आपके पास में हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ में कि सर्दियों में जो पौध है टमाटर की किस तरीके से की जाती है। आज हम वेराइटी के बारे में और किस तरीके से ट्रे में लगाते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप देख सकते हो ये हमारा पोली हाउस है और इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं जो लगा रहे हैं वो, और यहाँ नीचे आप देख सकते हो हमारे कर्मचारी हैं वो ट्रे में किस तरीके से पौध लगा रहे हैं। तो ये कोकोपीट है लो ईसी का, इसको हमने कल भिगो दिया था शाम को और अभी निकाल के और इसको लगा रहे हैं। और ये आप ट्रे देख सकते हो हमारे पास में, वन टाइम की जो ट्रे है वो है, वन टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में इसमें 98 होल्स हैं, जो ये होल्स है 98 है। और इसको लगाने का जो तरीका है, पहले कोकोपीट इसमें भरेंगे, ये आप देख सकते हो भर के, और फिर ये जो चार पांच ट्रे लेके और इसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर से मारना है। आप देख ले, इस तरीके से मारोगे तो ये जो एयर है वो निकल जाएगी कोकोपीट से। फिर जो लगाने का तरीका है, एक एक सीड हम इसमें डाल रहे हैं और आप ये सीड देख सकते हो। आपको हम बता दें वेराइटी जो है, एक तो हमने माइको का सीड लिया है, एक ये रिजवान का है, अन्नपूर्णा प्लस है टमाटर का नाम, F1 हाइब्रिड है और गोल वेराइटी है इसमें, जो देसी सेगमेंट में होती है अभी लास्ट में उसमें उस तरीके की है। और ये सीड है, ये उपचारित किया हुआ सीड है ये, और एक एक सीड, एक होल में एक सीड लगाएंगे हम, और लगा के फिर आप देख सकते हो इसके ऊपर कोकोपीट और डाला जाएगा। तो इस टाइम पे आप टमाटर की, मिर्ची की, बैंगन की, पत्ता गोभी की, फूल गोभी की ये नर्सरी कर सकते हो, और ये उचित टाइम है। तो इसकी जो खेत में है, खेत में इस प्लांट को हम फरवरी में 10 तारीख तक किसानों को देने के लिए हमारे पास में रेडी हो जाएगा, और उसके बाद में ओपन फील्ड में लगा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो हमारी जो सीड है वो लग चुका है, और उसके ऊपर ये कोकोपीट है, इस तरीके से इसके ऊपर डाल के और अच्छे से इसको लेवल करके, और ऊपर से थोड़ा इसमें दूसरी जो ट्रे है उससे प्रेशर करेंगे तो इसकी जो एयर है वो निकल जाएगी, और ये जर्मिनेशन है उसमें हेल्प मिलती है, और अच्छे से ये जर्मिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लो, इस तरीके से इसमें प्रेशर देंगे तो वो सीड है वो उस होल में ही चला जाएगा। और कोशिश आपको ये करनी है कि जो सीड है वो बीच में ही रहे, जो होल है उसके बीच में रहे, तो चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसका जर्मिनेशन आएगा। तो इसका पूरी जो कैसे केयर की जाती है, टेकिंग किया जाती है, उसका संपूर्ण वीडियो बना के आपको और हम दे देंगे, तो उससे आप खुद भी तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास में सुविधा नहीं है, टाइम नहीं है।